Good morning, dear students. Today we are here with a grammar topic, and today's our topic is writing skills, right? So we'll discuss one of the writing skills, that is letter writing. We all know that we are quite known with this topic, okay? But today we are going to discuss it in a very detailed manner, so that sometimes you feel, na, that you have wrote a letter very correctly or in a good proper format, but even though you unable to score good marks. Okay, so we'll study some of the points here, right, in a very detailed manner. Okay, so let's move on. Letter writing is an art. All of us write letters, right? We write personal letters to friends and relatives, business letters, invitations, applications, and so on. That is why it is highly essential to cultivate the art of writing different kinds of letters. See, in our daily life, somewhere it plays a very important role, right? How? Okay, jaise abhi to aap students ho. Then after जैसे जैसे आप jobs के लिए जाओगे आप biodatas form करोगे you have to write some of the applications, some of the business letters, okay, some of the invitations. So it plays a very important role. ये अभी आपको लगता है कि letter writing हम practically कहाँ use करते हैं but no, धीरे धीरे you will see that आप जैसे grown up होते जाओगे it plays a very important role. And nowadays what happened because of all such gadgets and devices, electronic devices and all such, क्या हो गया है कि we have somewhere forgotten this art. राइट लेटर राइटिंग पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था यूजुअली वी यूज टू कन्वर्स थ्रू लेटर्स ओनली बट राइट नाउ वी हैव मोबाइल्स एंड ऑल सच थिंग्स एंड दैट्स व्हाई वी समवेयर फॉरगेटिंग दिस आर्ट बट वी हैव टू कंटिन्यू दिस ओके सो देर आर नंबर्स और टाइप्स ऑफ लेटर्स वी रॉट ओके लाइक पर्सनल लेटर्स टू फ्रेंड्स जो हम फ्रेंड्स रिलेटिव को लिखते हैं फिर आता है बिजनेस लेटर्स फिर आता है इन्विटेशन लेटर्स राइट बर्थडे पार्टी हो मैरिजेस एंड सो ऑन applications for anything, right? Generally हम अगर governments को लिखते हैं okay तो हम applications डालते हैं फिर applications for the post of something job के applications होते हैं so there are numbers of applications we required to write, okay? So ये applications को सीखना भी जरूरी है So, in such manner, we can say that there are numbers of types of letters, and that is why it is very important or it is highly essential to cultivate the art. Is art ko achhe se cultivate karna, is skill ko seekhna, ye bahut important hai. Theek hai? But don't worry, is टॉपिक में इस लेक्चर में ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द पर्सनल लेटर्स टू द फ्रेंड हम बहुत बेसिक से जाएंगे ठीक है एंड देन आफ्टर विल मूव टू रिलेटिव्स एंड देन बिजनेस लेटर्स हम सारे लेटर्स लेंगे और बट विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक बेसिक से सीखोगे तो इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल Next comes, there are different kinds of letters, but certain common features are important. Usually, हमने टाइप्स या काइंड ऑफ लेटर्स हमने देख लिए बट यूजुअली उसकी जो मेन एक फॉर्मेट जो होता है राइट उसमें ही थोड़ा प्लस माइनस होता है तो यूजुअल फॉर्मेट क्या है किसी भी लेटर का तो फर्स्ट कम्स द हेडिंग ठीक है पहले हेडिंग आता है सेकंड कम्स द ग्रीटिंग और सैल्यूटेशंस ओके थर्ड कम्स द बॉडी ऑफ लेटर फोर्थ कम्स लीव टेकिंग और सब्सक्रिप्शंस व्हाटएवर एंड द एड्रेस अब ये सब क्या है लेट्स लर्न इट इन डिटेल फर्स्ट कम्स द हेडिंग अब ये हेडिंग क्या है यूजुअली हम हेडिंग में क्या डालते हैं हमारा एड्रेस ओके द हेडिंग कैन बी रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द लेटर बिकॉज ऑफ द वास्ट यूज ऑफ कंप्यूटर्स दिस कंसिस्ट ऑफ द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट राइट पहले क्या होता था कि हम आधा राइट साइड एक एड्रेस डालते थे फिर दूसरा लेफ्ट साइड डालते थे एंड देन वी यूज टू स्टार्ट जब हम दो एड्रेसेस की बात करते हैं बट अभी हम एक बहुत बेसिक फॉर्मेट देख रहे हैं लेटर का ठीक है क्योंकि अब क्योंकि कंप्यूटर का टाइम आ गया या हम कंप्यूटर्स वास्टली यूज कर रहे हैं और इसकी वजह से हम यूजुअली अब पूरा लेफ्ट हैंड साइड ही सब कुछ कॉपी डाउन करते हैं ओके सो द हेडिंग कैन बी रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर हेडिंग जो मैंने नीचे ब्लू में एग्जाम्पल भी दिया ये एक एड्रेस मैंने डाला है राइट तो इसे कैसे लिखोगे ये हमेशा टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आएगा ऑफ द लेटर और अब पहले थोड़ा फॉर्मेट चेंज था पहले एक राइट कॉर्नर में आता था एंड देन वन एड्रेस इज ऑन लेफ्ट कॉर्नर बट नाउ देयर इज अ वास्ट यूजर्स ऑफ कंप्यूटर्स अब ये इस तरीके से फॉर्मेट हो गया दिस कंसिस्ट ऑफ द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट इस टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में राइटर्स एड्रेस यानी जो लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा और डेट आएगा
बहुत बार अगर आपको लेटर्स की मार्किंग ना पता हो तो बता दूं कि यूजुअली जब आप लेटर की एड्रेस डालते हो, डेट डालते हो, सल्यूटेशंस डालते हो, तो उसके भी काउंटिंग्स होता है, मार्क्स होता है, राइट? अगर आप सिर्फ एक ऐसा एड्रेस भी डालो, इवन दो यू विल गेट मार्क्स, बट वो एड्रेस प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, पंक्चुएशंस प्रॉपर होने चाहिए, डिटेलिंग जो दे रहे हो जस्टिफिकेशन प्रॉपर देना है, लेफ्ट कॉर्नर तो आधा लेफ्ट आधा राइट या आधा आगे पीछे ऐसे नहीं, एक प्रॉपर लाइन में होना चाहिए। जैसे 24 लीला अपार्टमेंट, तो 24 के एग्जैक्टली नीचे मुंबई मैंने डाला है, ये प्रॉपर एक लाइन मेंटेन होनी चाहिए। फिर कॉमा कहाँ डालना है, फुल स्टॉप कहाँ डालना है, किस वे में एड्रेस लिखना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? सो हेडिंग आई होप आपको क्लियर हो गई। और डेट हमेशा ध्यान रखना है, डेट कैसे लिखी जाती है, इट शुड बी ऑलवेज इन दिस मैनर, जैसे 17th अप्रैल, 2000, ठीक है? एंड देन फुल स्टॉप। दूसरी भी मेथड है, बट आप ये नहीं लिखोगे डायरेक्टली जो न्यूमरिक वे में डालते हो, 17/8/2000, नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द डेट्स, ओके? नेक्स्ट कम्स ग्रीटिंग और सल्यूटेशन। ग्रीटिंग्स या सल्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग लिखते हैं डियर और समथिंग, ओके? द फॉर्म ऑफ सल्यूटेशन शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लेटर यू राइट। यस ऑफ कोर्स, आप किसी अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को अगर लेटर लिख रहे हो और उसमें डियर डालोगे तो दैट इज रॉन्ग, वहां आपको रिस्पेक्टेड डालना। अगर आप स्कूल प्रिंसिपल को लिखते हो तो आप वहां रिस्पेक्टेड लिखोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से टाइप के लेटर लिख रहे हो, पहले वो क्लियर कर लो, उसके बेस पर ही ग्रीटिंग या सल्यूटेशन आएगा, ठीक है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लेटर यू लाइक राइट द फॉर्म ऑफ सल्यूटेशन, ठीक है? इट शुड बी रिटन बिलो द एड्रेस एंड डेट। ये कहाँ आएगा? एड्रेस और डेट के एग्जैक्टली नीचे, यानी हमारा जो हेडिंग है, ओके, राइटर्स एड्रेस एंड डेट है, उसके एग्जैक्टली नीचे आएगा। बिगनिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द पेज एंड शुड बी फॉलोड बाय अ कॉमा, राइट? कहाँ से बिगनिंग होगी? लेफ्ट हैंड साइड से ही बिगनिंग करेंगे हम, बट शुड बी फॉलोड बाय अ कॉमा, ठीक है? ये कैसे फॉलोड होगा? कॉमा, जैसे टू फिर कॉमा, फिर नीचे रिस्पेक्टेड सो फिर कॉमा, फिर द स्कूल नेम और इंस्टीट्यूशन नेम और गवर्नमेंट ऑफिशियल नेम जो भी है वो, ठीक है? लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो ग्रीटिंग्स और सल्यूटेशंस अगर आप इनफॉर्मल लेटर्स में लिख रहे हो, ओके? सो इनफॉर्मल लेटर्स यानी इफ यू आर राइटिंग अ पर्सनल लेटर टू योर रिलेटिव्स और फादर और मदर और सो ऑन, ओके? तो किस तरीके से आप ग्रीटिंग्स डालोगे, राइट? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। ए देखो, इफ यू आर राइटिंग टू फादर मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंट कजिन्स, हियर वी कैन से ओनली माई डियर, राइट? फादर लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली राइट माई डियर फादर और अंकल और आंट और फ्रेंड और हुसोएवर, ठीक है? राइट, तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड या ऐसे कुछ नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, ठीक है? यू कैन राइट हियर डियर, ठीक है, माई डियर सो एंड सो। नेक्स्ट, अगर आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, ओके, सल्यूटेशन टू फ्रेंड्स विल बी, तो सिर्फ फ्रेंड्स का भी एक लेवल है। एक फ्रेंड है जो बहुत क्लोज है आपके, बचपन का दोस्त है, यू नो देम, यू नो हिम वेरी वेल, राइट? तो ऐसा कोई फ्रेंड है तो क्या लिखोगे? कोई ऐसा है जो आपके कलीग टाइप है बट फ्रेंड जैसा है, बट इतना क्लोज नहीं है, तो आप उससे कैसे बात करोगे? सीधे हम जब भी बात करते तो हम देखते हैं कि कोई जो भी पर्सन है सामने वो हमारे कितने क्लोज है, किससे कितनी बात करनी है, क्या बात करनी है, तो इन दैट मैनर लेटर्स में भी ये होता है, ठीक है? सो द सल्यूटेशन टू फ्रेंड्स विल बी इफ ही इज नॉट वेरी इंटीमेट, अगर कोई दोस्त ज्यादा इंटीमेट नहीं है, यू नो हिम, फॉर एग्जाम्पल ही इज योर कलीग और ही इज योर फ्रेंड, चलो आपका क्लास का फ्रेंड है, क्लासेस में अगर पढ़ता है, कभी कभार तुम लोग मिलते हो, हाय हेलो होता है, राइट? अब उससे आपको कोई काम है पर वो आपके ज्यादा क्लोज नहीं है, तो आप लिखोगे डियर मिस्टर सुरेश, ओके, इन दैट मैनर। फिर आता है ही इज नो ही इज मोर इंटीमेट, वो आपका जिगरी है, राइट, बेस्ट फ्रेंड है, तो आप डायरेक्टली डियर जाके करके मिस्टर लगाओ नहीं लगाओ, इट्स फाइन, वो चल जाता है। हम कहते हैं दोस्त को कुछ भी बोल दो चल जाता है, ठीक है? सो इफ ही इज मोर इंटीमेट एंड अफेक्शनेट और बहुत ज्यादा है तो माई डियर सुरेश। सी द लेवल, पहले है डियर बट मिस्टर, हम थोड़ा रिस्पेक्ट से साथ बोल रहे हैं, थोड़ा इंटीमेट है तो हमने डियर सुरेश लगा दिया, और बहुत ज्यादा जिगरी है, राइट, तो माई डियर सुरेश, ओके?
यू आर गेटिंग द लेवल. ओके, नेक्स्ट कम्स द सल्यूटेशन टू स्ट्रेंजर्स विल बी. एक ऐसे बंदे को आप लिख रहे हो जिसको आप ज्यादा जानते नहीं हो या ऑलमोस्ट वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, राइट? तो डियर सर और डियर मैडम. बट यूजुअली क्योंकि ये बुक के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ पे ठीक है डियर सर डियर मैडम हमने लिखा है, बट ऑलवेज राइट रेस्पेक्टेड. ठीक है, रादर यूजिंग डियर सर और मैडम, ओके राइट रेस्पेक्टेड सर और मैडम. ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन भी किया है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग डियर सर और मैडम, ज्यादा अगर क्या कहते हैं कि ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा रेस्पेक्टेड सर और मैडम. ठीक है, एंड द सैल्यूटेशन टू द सुपीरियर्स विल बी, आपसे कोई बड़े है या आपके जैसे आप किसी बड़ों को लिख रहे हो, बड़े इन द सेंस कि वो एक तो स्ट्रेंजर भी है, राइट? और जैसे आपके कलीग में कोई ऑफिशियल हेड को आप लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर मैडम. आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर मैडम इन दैट मैनर. ठीक है, सो इस तरीके से आपका सैल्यूटेशन जाना चाहिए. तो अकॉर्डिंग द रिलेशंस विद दैट पर्सन यू हैव टू जस्टिफाई द सैल्यूटेशंस और ग्रीटिंग. तो आप उस हिसाब से अपने ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशंस दोगे. ठीक है, नाउ द थर्ड टॉपिक इज द बॉडी ऑफ लेटर. ओके, तो बॉडी ऑफ लेटर किस तरीके से लिखोगे. बॉडी ऑफ लेटर यानी अब आता है मेन टॉपिक. लेटर का जो पर्पज है वो यहाँ पे आएगा. सी, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर. द लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी सिंपल एंड इन अ नेचुरल स्टाइल. सी, हमेशा लेटर इस तरीके से लिखो या बॉडी ऑफ लेटर इस तरीके से फॉर्म करो, जो कंटेंट आप डाल रहे हो उसमें वो बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत अंडरस्टेबल होना चाहिए. ठीक है, वो चीज बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए. ओके, उसे कॉम्प्लेक्स नहीं करना है. सामने वाला बंदा कितना लिटरेट है, कितना क्वालिफाइड है, उसका लेवल क्या है, ये ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है. ठीक है, सो इट शुड बी मतलब इन शॉर्ट इट शुड बी अ वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखो, नेचुरल स्टाइल में लिखो. इट शुड बी प्रेजेंटेड सिस्टमैटिकली. आप क्या कहना चाहते हो वो बहुत सिस्टमैटिकली प्रेजेंट होना चाहिए. लॉन्ग लेटर शुड बी डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ्स, राइट? वी ऑल नो कि अगर बहुत बड़े लेटर्स हम लिखते हैं तो पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं, राइट? तो पहले आता है कंटेंट. कंटेंट वो पार्ट्स ऑफ बॉडीज भी किस तरीके से आएगा विल डिस्कस, राइट? ऑल वॉट यू वॉन्ट टू से, वो जो भी डिपेंड्स ऑन द लेटर अगेन, राइट? वो पर्सनल है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, किस टाइप का लेटर लिख रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कैसा होगा. फॉलो अ फॉर्मल मैनर इन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, बट यू मे फॉलो अ फैमिलियर एंड कॉलिक्वल स्टाइल इन पर्सनल लेटर्स. अगर आप ऑफिशियल क्या कहते हैं ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में किसी को लेटर लिख रहे हो तो एक फॉर्मल मैनर को फॉलो करना है. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप फॉर्मल लेटर्स में आप रिस्पेक्टेड यूज करो, ठीक है, पर्सनल लेटर्स में डियर यूज करो. ओके, फिर फॉर्मल लेटर में हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये सब आप नहीं लिख सकते, विच यू कैन राइट इन इनफॉर्मल लेटर. आप पर्सनल लेटर्स लिख रहे हो तो उसमें लिख सकते हो. सो इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द काइंड्स और टाइप्स ऑफ लेटर्स. ठीक है, एंड यू मे फॉलो अ फैमिलियर और कॉलोक्वियल स्टाइल इन अ पर्सनल लेटर्स. और पर्सनल लेटर्स में आपके उसके अपोजिट आप कर सकते हो. यू कैन से हाय, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्सएप, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउज योर लाइफ, एंड ऑल सच पर्सनल क्वेश्चंस और ऑल सच पर्सनल थिंग्स यू कैन डिस्कस इन फैमिलियर लेटर. ठीक है, और पर्सनल लेटर्स. ओके, नेक्स्ट कम्स लीव टेकिंग और सब्सक्रिप्शन. लीव टेकिंग यानी एंड ऑफ द बॉडी में, यानी लेटर के एंड में हम क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली, राइट, योर्स लविंगली, सो एंड सो. ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉडी ऑफ द लेटर वन शुड राइट द लीव टेकिंग फ्रेज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज एंड साइन बिलो इट. पहले ऐसा होता था कि पहले राइट साइड होता था ये, बट अब क्या हो गया, अब ये पूरे सिस्टम में हमने क्या कर दिया, सब कुछ लेफ्ट साइड ही आएगा. ठीक है, बिकॉज अब हम कंप्यूटर यूजेस क्या ज्यादा हो गया हमारा, एंड दैट्स व्हाई ये पूरा एक फॉर्मेट इसी तरीके से जाएगा. ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे आप ये जो मेन आपका कंटेंट था कि आपको किस बारे में आपने लेटर लिखा है वो अगर खत्म हो जाता है, वन शुड राइट द लीव टेकिंग फ्रेज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज एंड साइन बिलो इट. यूजुअली हम साइन नहीं करते हैं, वी यूज टू राइट द नेम. ओके, जैसे एग्जाम्पल लिखा है योर्स एवर टॉम. ठीक है, इन दैट मैनर. साइन हियर मीन्स द नेम ऑफ योर्स. ओके, चलो अब देखो एग्जाम्पल ऑफ स्टार्ट एंड कंक्लूजन ऑफ प्राइवेट लेटर्स. अगर आप प्राइवेट लेटर्स लिख रहे हो, यानी जैसे हमने डिस्कस किया इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे हो,
या पर्सनल लेटर्स लिख रहे हो अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को, तो आपका स्टार्ट कैसे होगा और आपका एंड कैसे होगा। जैसे आप फादर को लिख रहे हो तो क्या लिखते हो, माय डियर फादर, राइट। लास्ट में आप लिख सकते हो योर अफेक्शनेटली, राइट, योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर। इफ यू आर राइटिंग टू माय डियर ब्रदर देन योर लविंग ब्रदर, माय डियर हरी इफ योर फ्रेंड और हूसोएवर योर लविंग सिस्टर, ओके इफ योर ब्रदर देन डियर रमेश इफ योर फ्रेंड देन योर सिंसियर फ्रेंड, ओके। सो प्राइवेट लेटर्स या पर्सनल या इनफॉर्मल लेटर्स में आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड ज्यादा ठीक है, स्टार्ट तो माई डियर फादर मदर हूसोएवर, बट एंड ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, योर्स अफेक्शनेटली। सी एस कहाँ लगाया है और कहाँ नहीं लगाया ये भी ध्यान रखना है। योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंग सिन, योर्स लविंग सिन, योर लविंग सिन, योर लविंग ब्रदर, राइट, देन योर लविंग सिस्टर एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट योर सिंसियर फ्रेंड, बहुत बार हम सिंसियर भी यूज करते हैं, ठीक है। सो ये था प्राइवेट लेटर्स कैसे लिखो, देन क्लोज योर लेटर विथ। अब आप एंड कैसे करोगे योर लेटर को, ठीक है। जैसे एंड मतलब हम एक बॉडी कंटेंट में एक पैराग्राफ हमने मेंशन कर दिया, फर्स्ट पैराग्राफ हमने पूछा इंट्रोडक्शन के बारे में, मींस इंट्रोडक्शन इन द सेंस के इफ पर्सनल लेटर देन हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। बट अगर फॉर्मल लेटर है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माई सेल्फ दिस एंड दिस, आई हैव रिटन दिस लेटर फॉर इन्फॉर्मिंग यू सच थिंग्स एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फिर आता है मेन कंटेंट की किस बारे में बात कर रहे हो, और लास्टली आता है कि होप यूल, ये कहता है ना कि एक तो सिंस थैंक्स थैंक्स देने के लिए, या फिर अगर पर्सनल लेटर है तो विथ योर विथ लव और बेस्ट विशेस, राइट, गिव माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, ऐसा हम लाइंस लिखते हैं, ओके। तो क्लोज योर लेटर विथ विथ लव और बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, कॉर्डियली, रिस्पेक्टफुली योर्स, योर्स ट्रूली, रिस्पेक्टफुली, थैंक्स, टेक केयर, सिंसियरली योर्स, राइट। फिर विथ ओशंस ऑफ ऑनर, थैंक यू, रिगार्ड्स, सिंसियरली। सो ये सारे वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट कम्स इम्पॉर्टेंट नोट। अब नोट क्या है वो देखो, वाइल राइटिंग द एड्रेस, एड्रेस जब भी लिखो, राइट मिस्टर बिफोर द नेम इन केस ऑफ मेल, अगर मेल है, राइट, तो हमेशा एड्रेस जब लिखते हो उसके, जब उसका नाम मेंशन करते हो एड्रेस के ऊपर, तो हमेशा लिखना है मिस्टर, दैट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। फिर इन मिसेस इज यूज इन केस ऑफ अ मैरिड वुमेन, ये भी ध्यान रखना है, मिस मिसेस में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। मैरिड वुमेन के लिए एम आर एस लगता है, इट मीन्स अ मिस्ट्रेस, ओके, और मिसेस वी कैन से मिस्टर, एम आर दैट इज मिस्टर, एम आर एस दैट इज मिस्ट्रेस और मिसेस, ओके। मिस इज यूज इन केस ऑफ अनमैरिड वुमेन, अगर वो अनमैरिड वुमेन है तो मिस, एंड मिसेस इज यूज इन केस ऑफ अ फिल्म और अ कंपनी, ठीक है, फिल्म और कंपनी से रिलेटेड है तो आप ये वर्ड डाल सकते हो मिसेस, ओके। नाउ कम्स अ पर्सनल लेटर, दैट इज, अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको एक लेटर का, ओके, एंड यू आर सपोज टू राइट डाउन दिस लेटर। ये लेटर तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पूरा लेटर लिख के दिखाया है यहाँ पे, और लास्ट में मैंने एक होमवर्क दिया है और एक आपको टॉपिक दिया लेटर राइटिंग का, वो लेटर आप खुद लिखोगे, इज इट क्लियर। सो टुडेज आर एग्जाम्पल इज राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर हाउ यू हैव फेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। सो आपको एक लेटर लिखना है अपनी मदर को, टेलिंग हर हाउ यू हैव फेड इन द इन एनुअल एग्जामिनेशन, ओके, राइट। सो समझ में आ गया लेटर क्या है, कंटेंट समझना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लेटर क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ओके, तो उसके बेस पर ही आप लेटर प्रॉपरली कर सकते हो। तो इस रीड इट ट्वाइस, समझो लेटर को क्या लिखा गया है, योर टेल राइट अ लेटर टू योर मदर, अपनी मदर को लेटर लिखना है, टेलिंग हर हाउ यू हैव फेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। सो फेड मतलब क्या होता है, फेड मतलब होता है कि हाउ यू हैव परफॉर्म्ड और हाउज योर एग्जाम, राइट, आपकी एग्जाम कैसी गई, आपने कैसा परफॉर्म किया, इसके बारे में आप अपनी मदर को लेटर लिख रहे हो। लेट्स सी द स्पेसिमेन ऑफ इट। सी यहाँ पर एड्रेस कैसे लिखा है, 705, रामदर्शन, नीचे लेनिन सरानी, कॉमा, कलकत्ता 45,
राइट, दैट इज 20th अप्रैल कॉमा 1999। सी एड्रेस का जो फॉर्मेट है, जैसे 705 राम दर्शन, वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ अपार्टमेंट और अ सोसाइटी और अ वी कैन से हाउस नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप उसका एरिया लिखो, रोड लिखो उससे, जैसे ये लेनिन सुरानी माइट बी एन एरिया, फेमस एरिया हो सकता है। फिर आता है सिटी और उसका पिन कोड, ठीक है। इन इस मैनर में ही आपका एड्रेस जाना चाहिए। एंड देन कम्स डेट। सी डेट हमने यहाँ पे डाली है 20th अप्रैल कॉमा 1999। ओके, सो यूजुअली अगर आप डेट लिखते हो तो ट्राई टू फॉलो दिस फॉर्मेट ओनली। ओके, फिर आता है, ये था हमारा फर्स्ट था हेडिंग। ओके, दिस वॉज आर हेडिंग। नाउ कम्स ग्रीटिंग, ठीक है। ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन, इसे कहते हैं ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन। माई डियर मदर, ये क्या है? ग्रीटिंग या सैल्यूटेशन कॉमा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कॉमा लगा है। सी एड्रेस में देखो, जब एड्रेस फिनिश होता है राइट, यूजुअली कॉमा कॉमा है, बट वेन एड्रेस फिनिश यानी कोलकाता 45, ये एड्रेस खत्म हो गया, फिर आता है वहां फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, राम दर्शन कॉमा लेनिन सुरानी कॉमा कोलकाता 45 फुल स्टॉप, ठीक है। फिर आता है देखो माय डियर मदर कॉमा, और जब भी फिर आता है हमारा कंटेंट, मेन बॉडी पार्ट। तो जब भी आप बॉडी पार्ट लिखते हो तो हमेशा क्या करना है, पैराग्राफ करना है। पैराग्राफ यानी यू कैन सी द स्पेस बिफोर इट। आई रिसीव्ड योर लेटर से आगे थोड़ी स्पेस दिख रही है राइट। सेकेंड पैराग्राफ, जब भी आप न्यू पैरा स्टार्ट करते हो यू हैव टू लीव दिस स्पेस। ओके, दिस पैरा, इसको कहते हैं पैराग्राफ करना। तो पैराग्राफ करना है, ठीक है। ये तीन पैराग्राफ में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पैराग्राफ देखो, एक इंट्रोडक्शन सिंपल सा होगा। आई रिसीव्ड योर लेटर फुल ऑफ योर सोल टचिंग लव दिस मॉर्निंग, इट हैज एडेड अ ग्लोरी टू माय हार्ट, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट अबाउट माय परफॉर्मेंस इन द एनुअल एग्जामिनेशन व्हिच इज ओवर, आई हैव अटेम्प्टेड ऑल माय पेपर्स वेरी वेल, ठीक है। ये उसने बता दिया कि आज आपका लेटर मिला राइट, आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे कैसी फीलिंग हुई राइट। फिर उसने लिखा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरी एग्जाम्स की परफॉर्मेंस कैसे हुई, दैट मींस कि शायद उस लेटर में ऑलरेडी उसकी मदर ने पूछा होगा। ओके, एंड नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग कि उसने उसके सारे पेपर्स कैसे गए, उसने कैसे अटेम्प्ट किए। सेकेंड पैराग्राफ इज ऑल अबाउट द मेन कंटेंट, हम कहेंगे मेन बॉडी पार्ट, जिसमें वो बता रहा है कि उसका एग्जाम्स पेपर सारे कैसे गए। आई वॉज कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश पेपर बट द इंग्लिश पेपर वॉज वेरी इजी, उसने कहा सॉरी आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, बोले कि मुझे इंग्लिश पेपर मेरा ठीक ठाक गया बट पेपर इजी था, फिर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। आई होप टू गेट 70% इन इट, वो बोल रहा है कि उसने अटेम्प्ट शायद 70% जितना किया, इजी था पर फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है। बिसाइड्स माय बेटर परफॉर्मेंस इन सोशल स्टडीज एंड साइंस, बोल रहा है मेरा अच्छा परफॉर्मेंस किस में रहा, सोशल साइंस और स्टडीज में। एंड आई हैव अटेम्प्टेड ग्रामर वेरी वेल, उसने कहा ग्रामर भी मेरा अच्छा गया है। इन द साइंस पेपर क्वेश्चंस वर नॉट आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बट आई हैव आंसर्ड इन अ फेयरली एंड सैटिस्फैक्ट्री मैनर। दूसरा वो बता रहा है कि क्वेश्चन साइंस के क्वेश्चन पेपर में सिलेबस में से बहुत कम पूछा गया था बट फिर भी उसने सेटिस्फैक्ट्री मैनर में उसने आंसर्स दिए हैं, उसे लगता है कि उसने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे उसने क्या किया, अपने पेपर्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि उसके एग्जाम्स में उसके सब्जेक्ट्स के जितने भी थे उसके, उसने कैसा अटेम्प्ट किया, कितना कॉन्फिडेंट है, क्या स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मेन बॉडी कंटेंट फिनिश हुआ। लास्ट क्या आएगा, दैट इज जैसे मैंने बताया था गिव माय रिकॉर्ड्स टू ब्ला 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 राइट। तो इन दैट मैनर एक एंडिंग क्लोजिंग पॉइंट हम डालेंगे, जैसे होपिंग दैट आई वुड गेट यू गाइडेंस एंड योर गाइडेंस एंड मेक माय ड्रीम कम ट्रू इन माय लाइफ, आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय लेटर विद एन ओशन ऑफ लव एंड रिगार्ड्स टू यू, ठीक है। सी रिगार्ड्स टू यू आया, तो किसी को रिगार्ड देते हुए ऐसा ही ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी डाली जाती है। ओके, यूजुअली हम डालते हैं थैंक यू, या थैंक यू अगेन विथ लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज डालते हैं, विथ डीपेस्ट सिंपथी डाल सकते हैं, या आई एम ऑलवेज विथ यू इफ यू नीड एनी काइंड, मीन्स इट डिपेंड्स ऑन योर लेटर राइट, क्या आपका कंटेंट क्या है, टॉपिक क्या है लेटर का, और उसके बेस पर आप नीचे ये डाल सकते हैं। इफ यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड सो यू कैन राइट गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स और योर ब्रदर सिस्टर्स एंड सो एंड सो। ओके,
And lastly comes the end of the topic, right? That is we call leave taking or subscription. Okay, so last हमने देखो क्योंकि ये मदर को लिखा है तो यहाँ पे लिखा your loving son Sunil. Okay, you can even write your affectionately son Sunil or your sincere son whatever. Okay, but loving mother है तो loving ज्यादा suitable रहता है. ठीक है, so this was the example or we can say the specimen I have shown here. इससे क्या आपके फॉर्मेट भी क्लियर हो गया, राइट मैंने फॉर्मेट भी समझा दिया कि किस मैनर में आपको लेटर लिखना है, आपकी लैंग्वेजेस किस तरीके से आपको डालनी है. ओके, सो नेक्स्ट कम्स द होमवर्क. ये होमवर्क दिया है मैंने, दैट इज राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर हु इज अ बुक वॉर्म. बुक वॉर्म का मतलब क्या होता है, दैट इज हम कह सकते हैं किताबी कीड़ा, राइट जो 24 घंटे शायद किताब पकड़ के बैठा रहता है या उसका इंटरेस्ट लेवल ही बुक्स है और कुछ है ही नहीं, राइट. तो 100% इतना भी नहीं होना चाहिए. सो आप अपने यंगर ब्रदर को एडवाइस दे रहे हो कि सिर्फ बुक वॉर्म होने से होना अच्छा है, बट साथ में थोड़ा गेम्स और उसमें भी उसे इंटरेस्ट लेना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा एक लेटर आपको अपने यंगर ब्रदर को लिखना है. सो ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने जो बताया है उस पर वे में जाना है. नेक्स्ट, तो इस टॉपिक इस लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है. ओके, फर्स्ट पार्ट दैट इज अ पर्सनल लेटर, राइट. पर्सनल लेटर तक ही मैंने बताया है सो दैट कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो. नेक्स्ट पार्ट में हम इनविटेशंस लेंगे, एप्लीकेशंस लेंगे एंड देन लेटर टू न्यूज़पेपर्स. ठीक है, सो ये सारे पार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले ये क्लियर हो जाए उसके बाद में. ओके, सो ट्राई टू राइट डाउन दिस लेटर बाय योर ओन. हो सके तो गूगल मत करना, अगर करते भी हो तो ठीक है, बट अपने कंटेंट डालने की कोशिश करो. ठीक है, hope you got this lecture very well. Thank you, bye bye and take care.